वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसमीत लाइक बेक विद स्टाइल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस रेसिपीज को पसंद किया और इसे लाइक किया हो। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज वीडियो, आई वुड लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूनिक सी चॉकलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी इतनी ईजी है कि आप में से इसे कोई भी बना सकता है, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि कोई भी भाई अपनी बहन के लिए रेसिपी बना सकता है, या फिर कोई भी बहन अपने भाई के लिए रेसिपी बना सकती है। और मेरी ये रेसिपी बनाकर आप दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं हमारी आज की यूनिक सी चॉकलेट की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चॉकलेट की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लैक करंट चॉकलेट बाइट्स। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को जरूर लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आप मेरी रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी के लिए आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट मिल्क कंपाउंड लगेगा। तो मैंने यहाँ पे वैनलियर का मिल्क कंपाउंड लिया है। आप देख सकते हैं वैनलियर में 3 स्लैब आते हैं, तो मैं यहाँ पे 1.5 स्लैब लूंगी इसका, मतलब ये एक पूरा स्लैब लूंगी और ये दूसरे वाले का सिर्फ हाफ स्लैब लूंगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड के 1.5 स्लैब लिए हैं। मिल्क कंपाउंड के आप कोई भी कंपनी का वैनलियर कंपाउंड यूज कर सकते हैं इसके लिए, कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं मिल्क कंपाउंड। उसके बाद आपको लगेगा व्हिप क्रीम, तो मैं यहाँ पे रिच गोल्ड की व्हिप क्रीम यूज करने वाली हूँ। और इसकी क्वांटिटी मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पे हाफ कप जितना व्हिप क्रीम लेने वाली हूँ। आप देख सकते हैं स्टील का हाफ कप है, तो ये हाफ कप व्हिप क्रीम लूंगी। फिर उसके बाद हमारा जो हम चॉकलेट बनाने जा रहे हैं ब्लैक करंट, तो आपको ब्लैक करंट तो लगेगा ही, तो मैं यहाँ पे ब्लैक करंट क्रश लेने वाली हूँ। मैं यहाँ पे मनामा कंपनी का ब्लैक करंट क्रश लूंगी। आप कोई भी कंपनी का ब्लैक करंट क्रश यूज कर सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी में बताऊं तो आपको ये 1/4 कप लगेगा। 1/4 कप में ब्लैक करंट क्रश यूज करने वाली हूँ। और लास्ट अगर हम देखेंगे तो हमें मोल्ड लगेगा एक, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह का एक मोल्ड यूज करने वाली हूँ। ये प्लास्टिक का चॉकलेट मोल्ड आता है, जिसमें कैविटी है और उसके साथ में एक लिड आती है। इसकी ये कैविटी है, ये इसकी लिड है, तो इस तरह का ये मोल्ड यूज करने वाली हूँ, या फिर इसे डब्बी मोल्ड भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आप व्हिप क्रीम भी कोई भी कंपनी की यूज कर सकते हैं। आप जो कंपनी को आपको जो अच्छी लगती हो, आप उस कंपनी की व्हिप क्रीम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब जल्दी से देखते हैं कि ये रेसिपी अब कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना मिल्क कंपाउंड लेंगे, और मिल्क कंपाउंड की जितनी मैंने क्वांटिटी बताई थी, मैंने इसमें 1.5 स्लैब क्वांटिटी बताई थी, तो 1.5 स्लैब लेके आप इसे कट करेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। 1.5 स्लैब की क्वांटिटी इसमें से लेके आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे, और छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद आप एक बोल में डाल देंगे, माइक्रोवेव सेफ बोल में, और फिर इसे कुछ सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। और माइक्रोवेव करने के बाद एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे, ताकि आपकी मेल्टेड मिल्क चॉकलेट एकदम रेडी हो जाए यूज करने के लिए। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर के मेथड पे भी मेल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी मेल्टेड मिल्क चॉकलेट रेडी होती है, आप क्या करेंगे, आप इसे मोल्ड्स में डाल देंगे। तो पहले आप अपनी कैविटी वाली मोल्ड है, जो ये वाली मोल्ड है जो हमें ये शेप मिलने वाला है, इसमें डालेंगे। तो कैविटी में डालेंगे तो सारी कैविटीज में पहले डाल देंगे, और कैविटीज में ध्यान दें, जब आप चॉकलेट डालेंगे तो इतना ध्यान दे दीजिए कि ये साइड साइड में है, जो एयर बबल्स ना ले जाए, क्योंकि बाद में फिर आपकी अगर एयर बबल्स रह गए तो चॉकलेट में होल होल रह जाते हैं। और उसके बाद आप जब कैविटी को फिल कर देंगे, फिर हम उसके लिड पार्ट में जाएंगे। तो मेल्टेड मिल्क चॉकलेट आपको सिर्फ मोल्ड में इसमें डालनी है, डब्बी मोल्ड में। तो पहले आप कैविटी वाले मोल्ड में मेल्टेड चॉकलेट को फिल कर देंगे, उसके बाद आप इसकी जो लिड है उसमें चॉकलेट फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से आप पूरे मोल्ड को मिल्क चॉकलेट से भर देंगे, और उसके बाद एक अच्छे से टैप दे देंगे, ताकि हमारे सारे एयर बबल्स निकल जाएं। और उसके बाद जैसे ही आपकी मिल्क चॉकलेट सब मोल्ड्स में चली जाती है, तो उसके बाद आप इसे 20-25 मिनट्स के लिए फ्रिज सेक्शन में रखेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारे स्टेप्स अभी करके नहीं बताए, क्योंकि मैंने ये अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि मेल्टेड मिल्क चॉकलेट को चॉकलेट में मोल्ड में डाल के आप कैसे सेट करेंगे। और प्लस मैंने ये डब्बी मोल्ड का भी बताया है आपको कि इसमें आप चॉकलेट कैसे सेट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि डब्बी मोल्ड में चॉकलेट कैसे सेट की जाती है, तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है,
जिसका नाम है, उसका मैंने दो टाइटल रखे हैं नाम के, एक हिंदी टाइटल दिया और इंग्लिश टाइटल दिया है। तो हिंदी टाइटल मैंने दिया है कि आपने टैंक पाउडर से चॉकलेट बनाने की कोशिश की, और इंग्लिश टाइटल मैंने दिया है हाउ टू मेक चॉकलेट्स विद टैंक पाउडर। तो ये वाली रेसिपी में मैंने आपको एकदम क्लियरली बताया है कि डब्बी मोल्ड में आप चॉकलेट कैसे सेट करेंगे, सेट करने के बाद इसे आपको डीमोल्ड भी कैसे करना है वो भी अच्छे से मैंने बताया है। तो आप जाके उस रेसिपी को देख सकते हैं। तो पहले मेरी ये पूरी रेसिपी को देख लीजिए, फिर उस रेसिपी पे जाइए और उस रेसिपी में देख लीजिए कि आप डब्बी मोल्ड में चॉकलेट कैसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, डीमोल्ड करने के बाद देखिए आपके डब्बी मोल्ड की जो चॉकलेट है वो इस तरह से लगेंगी। आप देख सकते हैं उसकी कैविटी और उसके लिड, ये उसका कैविटी है, ये उसका लिड है, ये उसका कैविटी और उसका लिड है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चॉकलेट की कैविटीज तो रेडी हो गई है। अब जल्दी से देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी व्हिप क्रीम लेंगे। तो व्हिप क्रीम का मैंने हाफ कप बोला था, तो अब हाफ कप जो व्हिप क्रीम है इसमें से वो हाफ कप मेजर करके पहले डाल देंगे, और फिर ये जो हाफ कप आपने मेजर किया है वो उसको बोल में ट्रांसफर कर देंगे, और बोल में ट्रांसफर करने के बाद आप उसे स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस व्हिपिंग क्रीम को हाफ कप मेजर लेके इसे स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी व्हिपिंग क्रीम मैंने बीट करके रखी है, तो आप भी जब तक स्टिफ पीक्स ना आ जाए तब तक बीट करते रहिए क्रीम को। फिर उसके बाद हमारा क्रश है, तो अभी हम हमारा ब्लैक करंट क्रश यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑलरेडी मेजर करके रखा है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल दूंगी मेरे ब्लैक करंट क्रश को। आप देख सकते हैं इस क्रश में थोड़े थोड़े बेरीज भी है ब्लैक करंट के, तो चॉकलेट में खाने के टाइम पे बेरीज भी आएंगी आपके, और भी टेस्टी लगेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पूरे क्रश को इसमें डाल दिया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे अच्छा सा मिक्स दे दूंगी। और फ्रेंड्स, एक और बात और है, जब आप व्हिप क्रीम के साथ काम कर रहे हैं, अगर आपको व्हिप क्रीम की चॉकलेट बनानी है, तो आपने अगर चॉकलेट बनाना चाहते हैं लेकिन आपको 2 दिन के बाद खानी है, या फिर आपने ऑर्डर लिया है तो 2 दिन के बाद ऑर्डर लिया है, तो आपने व्हिप क्रीम पहले से व्हिप करके रख सकते हैं। और व्हिप क्रीम आप पहले से व्हिप करके रख सकते हैं फ्रिज में, जैसे आपने व्हिप कर ली आपको अभी काम नहीं है, आपको 2 दिन बाद बनाना है चॉकलेट, या फिर 2 दिन के बाद आपको ऑर्डर देना है, तो आप पहले से व्हिप क्रीम व्हिप करके रख दीजिए फ्रिज में, बट उसमें सिर्फ व्हिप क्रीम ही रखिए। आप ब्लैक करंट क्रश उसमें मत डाल के रखिए, क्योंकि अगर आप ब्लैक करंट क्रश भी व्हिप क्रीम के साथ डाल के रख देंगे और फिर 2 दिन बाद आप चेक करेंगे, तो आपको शायद इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा सा आए, और फिर जो सामने वाला भी खाएगा तो उसे खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, क्योंकि ब्लैक करंट क्रश थोड़ा सा खट्टा जैसा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले से बना के रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ व्हिप क्रीम को अच्छे से बीट करके रख दीजिए, और जैसे ही आप बीट करते हैं उसे फ्रिज में डाल दीजिए एक अच्छे से बोल में, ताकि उस पर एयर वाटर वगैरह नहीं जाए, और फ्रिज सेक्शन में रख दीजिए। तो आपकी व्हिप क्रीम तो ऑलरेडी रेडी होगी, और जब आपको चॉकलेट बनानी हो, जब आपको खानी हो, या फिर आपको ऑर्डर 1 दिन पहले है, तो आप 1 दिन पहले अपना जो ब्लैक करंट क्रश है इस व्हिप क्रीम में डाल दीजिए, और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि आपकी व्हिप क्रीम भी खराब नहीं होगी और आपका जो ब्लैक करंट है वो भी खराब नहीं होगा, और आपका ओवरऑल टेस्ट एकदम एक्सीलेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये अपने मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है, और उसमें हल्का सा एक कलर भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यही कलर ठीक लगता है मिक्सचर का, तो आप रख सकते हैं, कि आपको नेचुरल कलर से आपको एकदम अच्छा लग रहा होगा, नेचुरल कलर आपको आर्टिफिशियल नहीं करना है, तब इस तरह से भी रख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं और इसमें 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर मिस्ट का एक ऑल इन वन कलर यूज करने वाली हूँ, और ये लैवेंडर कलर है। ये ऑल इन वन कलर सब में चला जाता है, व्हिप क्रीम चॉकलेट वगैरह में, तो ये ऑल इन वन कलर चॉकलेट है कलर मिस्ट का, लैवेंडर है ऑल इन वन कलर मिस्ट का, ये सारी में चला जाता है, व्हिप क्रीम हो, चॉकलेट हो, या फिर आइसिंग हो, किसी में भी हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें पहले सिर्फ 1 ड्रॉप डाल के देखूंगी कि इसमें कलर कितना आता है, क्योंकि हमें इसे एकदम भी भड़कीला नहीं करना है। तो आप बस अब 1 ड्रॉप पहले डाल के देख लीजिए कि इसका कलर कैसे आता है।
तो आप देख सकते हैं एक ड्रॉप का तो इतना कलर कुछ आया नहीं, तो दो तीन ड्रॉप डाल देती हूँ अभी मैं। तो आपको कलर जिस हिसाब से देना है उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको एकदम डार्क शेड चाहिए तो आप डार्क थोड़े से ड्रॉप्स ऐड कर दीजिए, या फिर अगर आपको एकदम लाइट शेड चाहिए वायलेट का तो आप एक ड्रॉप से भी कर सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल भी कलर नहीं चाहिए तो आप वैसे भी रहने दे सकते हैं बिना कलर के भी। तो देखिए फ्रेंड्स, साइड से भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आपके सारी व्हिपिंग क्रीम में ये कलर एकदम अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, सारे स्पैचुला के ऊपर से भी निकाल दीजिए कलर, क्योंकि बाद में फिर ये कलर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए अभी से ही सारे जगह से एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक बहुत ही अच्छा सा वायलेट कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको और वायलेट चाहिए तो आप और भी इसमें एक दो ड्रॉप डाल सकते हैं। मैं यहाँ एक दो ड्रॉप और डाल देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और वाइब्रेंट कलर चाहिए वायलेट, क्योंकि ब्लैक करंट है तो एकदम जैसे आप ब्लैक करंट आइसक्रीम कैसे एकदम वायलेट कलर की खाते हैं, वैसे आपकी चॉकलेट में भी वो वाइब्रेंट कलर दिखना चाहिए। और इससे आपकी ये जो कलर से आपकी क्रीम बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी, एकदम वैसा का वैसे ही टेस्ट रहेगा। तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैं ज़्यादा कलर डालती जा रही हूँ तो मेरी व्हिपिंग क्रीम कड़वी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, अब इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो व्हिप क्रीम का मिक्सचर है, अब कलर डालने के बाद आप देखिए कितना डिफरेंस है, पहले कलर डालने के पहले कैसा लग रहा था और कलर डालने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अभी ये मिक्सचर को मैं एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला कलर नहीं यूज करना है कलर में इसका, तो आप फिर जेल कलर यूज कर सकते हैं। तो जेल कलर आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं इसमें, और वायलेट कलर यूज कीजिए या फिर लैवेंडर कलर जो उस कंपनी में कलर आ रहा है, तो आप जेल कलर यूज कीजिए। आप लिक्विड कलर अवॉइड कीजिए क्योंकि हो सकता है कि लिक्विड कलर डालने से इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये कलर मिक्स का जो ऑल इन वन कलर है लैवेंडर कलर, वो यूज कीजिए, या फिर कोई भी जेल कलर यूज कीजिए कोई भी कंपनी का। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने हमारे मिक्सचर को पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लिया है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग बैग के आगे एक स्टार नोजल लगाया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसे आपके डबी मोड में ऐसे फिलिंग करते हुए डालना है। तो पाइपिंग मोड आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, लेकिन स्टार नोजल लगाएंगे तो मुझे स्टार नोजल से फिल करना है, उस हिसाब से स्वॉल बन के आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इसके स्वॉल नहीं बनेंगे क्योंकि अभी हमने क्या किया है, व्हिपिंग क्रीम में ब्लैक करंट क्रश भी डाल दिया जो थोड़ा लिक्विडी होता है, तो उसके कारण हमारी जो व्हिप क्रीम है जो स्टिप पीक्स तक हमने बीट की थी वो थोड़ी सी मीडियम लिक्विडी फॉर्म में आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो पाइपिंग बैग को ही 10 टू 15 मिनट्स के लिए फ्रिज सेक्शन में रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए, कड़क हो जाए, जिससे हम स्वॉल बना सकते हैं। 10-15 मिनट्स में नहीं होता तो आप 20-25 मिनट्स भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं निकाल के पाइपिंग बैग को, अगर आपके स्वॉल बन रहे हैं मतलब आप पाइपिंग बैग निकाल सकते हैं, मतलब आपकी जो ये व्हिपिंग क्रीम है थोड़ी सी सेट हो गई है, नहीं तो 10-15 मिनट्स के लिए तो आप रख सकते हैं फ्रिज सेक्शन में ताकि मेरी ये जो कंसिस्टेंसी है वो फिर से थोड़ी सी हार्ड हो जाए। तो फ्रेंड्स, 10-15 मिनट्स के बाद मेरी ये जो मिक्सचर इसमें कंसिस्टेंसी आ गई है, तो अब हम इसे पाइप करेंगे। तो मैंने एक पाइप करके रखा है, अब मैं आपके सामने एक पाइप करके बताऊंगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमने जो स्टार नोजल रखा है ऐसे आपको गोल घुमाते हुए स्वर्ल बनाते हुए जाना है, ऐसे बनाते हुए हम इसे फिल करते जाएंगे और आपको जितना भरना है आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पूरा ऊपर तक ऐसे भर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि इससे हमारा स्वर्ल आया है। तो अगर आप नॉर्मली फिल करते तो उतना अच्छा स्वर्ल नहीं आता, तो ये आप स्टार नोजल डालेंगे तो ऐसे अच्छे से स्वर्ल्स आएंगे आपके चॉकलेट पे भी,
वो दिखने में भी एकदम अट्रैक्टिव लगेंगे और एकदम अभी से कितने क्रीमी से लग रहे हैं। हमारा जो मिक्सचर रेडी हुआ था तो आप देख सकते हैं, आप जितना स्वर ऊपर तक देना चाहते हैं आप उस तरह से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दो करके बताया, तो इसी तरीके से मैं बाकी के तीन में भी इस तरह की फिलिंग फिल कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अभी हम इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ये शुगर हार्ट्स लिए है पिंक कलर के, ये एडिबल शुगर हार्ट्स है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे साइड साइड में लगाते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने सब पे भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि अभी ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी वाइब्रेंट लग रही है। अब आपको कुछ और डेकोरेट करना है इसके ऊपर तो आप वो भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से और शुगर बॉल्स डाल दिए हैं, छोटे छोटे वाले शुगर बॉल्स डाल दिए हैं, ये सब एडिबल शुगर बॉल्स हैं। तो आप कुछ और तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हम इसे फाइनल टच देंगे। फाइनल टच देने के लिए मैं यहाँ पे ये स्पार्कल लेके आई हूँ, ये एडिबल स्पार्कल है। तो अब हम इसकी लिड पे डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ इसे डिप कर रही हूँ स्पार्कल में ब्रश को, और इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए जा रही हूँ। आपको ज़्यादा स्पार्कल चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे लिड कवर कर दूंगी, और आप चाहें तो थोड़ा चॉकलेट पे भी डाल दीजिए तो हमारी चॉकलेट का एकदम अपीलिंग लुक लगेगा। और ये एकदम एडिबल है, इससे आपको कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा सा डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स अब ये जो डस्ट है सिल्वर स्पार्कल गोल्डन स्पार्कल आप अपनी चॉकलेट्स पे भी डाल सकते हैं, तो आपकी चॉकलेट्स का लुक एकदम और भी अपीलिंग लगेगा, पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी और लोगों को एकदम अट्रैक्टिव लगेगी और खाने का मन करेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा स्पार्कल डाल सकते हैं चॉकलेट के ऊपर भी और लिड के ऊपर भी। तो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्पार्कल डालने के बाद हमारे चॉकलेट में एक अलग ही तरह का अपीलिंग लुक आ गया, एकदम और भी अच्छी लग रही है और भी खाने का मन हो रहा है। फ्रेंड्स अब इसे हमारी डेकोरेट हो चुकी है हमारी फाइनल चॉकलेट, अब इसकी हम अच्छे से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनल प्लेटिंग के बाद मेरे चॉकलेट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने यमी लग रहे हैं, कितने वाइब्रेंट लग रहे हैं, और मन कर रहा है कि अब भी इसी टाइम खा लें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की यूनिक सी चॉकलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी रेसिपी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, और उन्हें अपने ब्रदर्स सिस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए मेरी ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले रेसिपी के साथ, अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड हैप्पी बेकिंग, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन।